इनका गांधी जब थे गांगई मतलब जो है, एक दो प्रमाण दूं। इंदिरा गांधी ने, सुनो एक मिनट, इंदिरा गांधी ने मतलब जो महाराजा बच्चू सिंह को मरवाया था, और इंदिरा गांधी का कावे चित्रा चित्रा अलग अलग चालनी बनाई गई बॉडी गार्डन साईं के दरबार में, बदलो कौन जाए और सिर काटे और को तो अपनो ले। बिल्कुल विकास ना भयो, इन्हें की तो ऐसी टिकट काट दी जाए दो की, राजकुमार की उदयवाना की, कि नीले थे इन्हें तो धर्म से खोदे मोदी और योगी, इन्हें दो ने रैपट पाट कर दो या क्षेत्र नीचे वाले कर रहे का बेईमान, उदयवान हो चाहे राजकुमार हो, ये नीचे वाले बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन योगी और मोदी बेईमानी कदाप नहीं कर सकते, ये क्लियर बात। मोदी भगवान में, योगी बात है छोटो, अब बता लो मोदी ने। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा ही नहीं बढ़ा है। भ्रष्टाचार तो बिन्नी करियो, बे कह रहे कहां है, बे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश को नाश बिन्नी करियो, अब कर रहे हैं और फिर करेंगे बे नाश देश को। बापूजी कर रहे हैं, योगी जी या योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, भैया लक्ष्मण को बता रो है, बा को राम को बता रो है, हाँ बेई दो आ रहे है, पर इन भ्रष्टाचार तक आए भ्रष्टाचारी ये मरे, इन पे कार्रवाई हो जैसे आजम खां पे भैया, ऐसे ही इन पे हो उदयवान पे और राजकुमार पे। सामने नजर आ रहे हो, हाँ कोई विकास नहीं किया है, योगी जी आ ही रहे, योगी आएंगे और यार शर्त और लगाएंगे हम, क्या बात है, शर्त और लगाएंगे और पहली लगाई हम। विपक्ष कमजोर नहीं पड़ रहा दादा, इस बार विपक्ष सब रहो एक है, अरे सब पहली एक का भाई जो सब भारत के सब एक है के लड़े जाते तो ना भयो, और फिर भोगो फिर होगा जाए, गारंटी में लिख के दे दूं तामे पत्र। हाँ एक चौपाई दे रहा हूँ तुमको, तो सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कही मुन नाथ, हान लाभ जीवन मरण यस अपयस विदहात, परमात्मा के हाथ है और ये परमात्मा के आशिक है दोनों। यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनसे पब्लिक बहुत नाराज है, आपको दिख भी रहा होगा, तो देखते हैं क्या, अगर इन्हीं को रिपीट करते हैं तब तो लग रहा है पब्लिक नहीं ला पाएगी इनको, विधायक आए तो क्या रहेगा। बिल्कुल ही सुनो न, या कि ना ही करेंगे या टिकट नहीं दिन देंगे, हम मिलेंगे ही तो वोट नहीं दिन देंगे, नहीं देंगे। चुनावी कवरेज के तहत मैं आज फतेहपुर सीकरी विधानसभा के गांव उंदेरा में आ पहुंचा हूं। यहां ग्रामीण जनता की क्या राय है, यहां पर तमाम बुजुर्ग लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, खबर एक्सपर्ट पर आप देखोगे अभी इन सब की राय, तो उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में वो किसे उत्तर प्रदेश का सीएम देखना चाहते हैं, और उनके 4.5 साल में इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र से राज्य मंत्री चौधरी उदयवान सिंह यहाँ के विधायक रहे, सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री भी बना दिया, लेकिन विकास कितना रहा, जमीनी हकीकत क्या है, 4.5 साल में विकास किया या ओनली वादे किए, ये जनता की राय, यहाँ जनता देगी जवाब, क्योंकि अब बिल्कुल सरकार का जो टाइम है वो प्राइम टाइम है, सरकार के पास इन चीज़ों पर काम करने के लिए मात्र 30 से 40 दिन बचे हैं, जिसमें सरकार रोजगार और स्वास्थ्य और तमाम मुद्दों पर कार्य करेगी या नहीं करेगी, मैं इन लोगों से राय लेता हूँ। दादा शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम भैया भगत सिंह कहते हैं। अच्छा भगत सिंह कहते हैं भैया। अच्छा यहीं के निवासी हो आप? यहीं के भैया, उंदेरी के। अच्छा अच्छा आपके क्षेत्र में विधायक कौन है आप जानते हैं? उदयवान। उदयवान जी विकास किया उन्होंने 4.5 साल में, कच्चू ना करे भैया। अच्छा तो क्या क्या फिर देखने वाले हो आप, इस हिसाब से किसे ला रहे सकता हूं? हमारी सोच का हुआ देखा भाई, खर्चा में चल रहे बाबू में बुढ़ा बनवाई कच्चू बढ़िया। योगी और मोदी से क्या उम्मीद रखते हो, सत्ता में आएंगे या जाएंगे? हम तो भैया खूब भाई देंगे वोट, योगी है आओ। क्यों दोगे जब विकास हुआ नहीं आपका, तो वोट क्यों दोगे? वो बेचारो का करे जाओ, यानी कि वो खेतों में पानी लगा रहो तो नहर छोड़ देगा, खेतों में पानी ना लगा तो वो का करे बेचारो। अच्छा बस, लेकिन आपको लगता है कि इस बार आपकी सीट पर बदलाव होगा या फिर वही आएंगे चौधरी उदयवान? भैया शायद बदल ही होगी। क्या नाम है आपका? फूल सिंह है। अच्छा अच्छा बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल दे रहे हो, आपको क्या लग रहा है इस बार सत्ता में क्या होने वाला है? हमन तो सब यही लग रहे हैं योगी हो। अच्छा हाँ विश्वास क्यों, अखिलेश जी तो तमाम सारे विश्वास में बाबा ने कई कई बूट और बेबिचाए अपनी जगह से बढ़िया कर रहे हैं, और बीच बीच पानी और को काट ले जाए बाकी बाहर हमें काय का खबर बैठे बैठे बीच बीच को और ले जाए तो बिना बेचारे ने कहा खबर है, वे तो बढ़िया ही भाषण देते हैं, बढ़िया ही काम करिए कहते हैं, और यहाँ आए के हो ही नहीं काम बागो बिन के हाथ में गए। लेकिन
लेकिन वो तो कह रहे हैं कि देखो सत्ता में अखिलेश जी आए तो बिजली फ्री देंगे, तमाम सारी योजनाएं गिराएंगे। हाँ तो माथे तो हाँ, क्या क्या कहना चाह रहे हो आप? यार टाइम पे तो सब बांट रहे हैं, मतलब जो है लड्डू, मीठे मीठे लड्डू बांटेंगे सब, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मोदी जी ने और योगी जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने लिए कोई ऐसा मतलब जो सौदा नहीं अपनाया कि जो अपने लिए कुछ किया हो। विपक्ष तो कहता है योगी मोदी ने भ्रष्टाचार, विपक्ष तो 17 साल रही मतलब कांग्रेस की सरकार, जब कहाँ गए बिना के मीठे लड्डू, अब वे सब चीज़ें फ्री कर रहे हैं, जब कोई चीज़ फ्री नहीं बिना के जमाने में। कि देखो अब लड़ाई आई है मौके की, क्योंकि अखिलेश जी बहुत ज्यादा ताकत के साथ आ रहे हैं। अखिलेश जी जब नाय करे, जब मतलब हिंदू मुस्लिम को मतलब जो आपस में विरोध बाद, दुनिया भर के झगड़े बाद, और निगम मथुरा में कुछ नहीं था, उनका कोई अस्तित्व नहीं था मथुरा में, तो रामवृक्ष यादव बना दिया 250 जवाहर बाग का मालिक, और मतलब जो अब एक पंकज यादव बना दिया जवाहर बाग का जयगुरु देव प्रॉपर्टी का मालिक, ये कौन करे हो? ये अखिलेश के जमाने में हुआ है। सिपाल पूरे सोने चांदी सब है, मतलब ढोले को ट्रकन में, भाई को चाचा हो खास, अखिलेश जी को चाचा हो खास, वो सब कुछ संपत्ति ले गया वहाँ से, मतलब जो मथुरा से। वो तो जो कहते हैं कि योगी जी भ्रष्टाचार ज्यादा कर रहे हैं हमारे जमाने, योगी जी भ्रष्टाचार ज्यादा कर रहे हैं हमारे जमाने में कोई भ्रष्टाचार, योगी बाबा जी बाबा भ्रष्टाचार को कत का संतान नहीं, कुछ नहीं क्या है, लेकिन वो ऊपर बैठा है, नीचे वाले बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन योगी और मोदी कभी बेईमानी नहीं कर सकते, कभी नहीं, बिल्कुल। विश्वास कैसे आपको? 100% विश्वास, क्षेत्र में विकास हुआ नहीं, विश्वास इसलिए नहीं विकास हमारे विश्वास विकास न करें, ये डकैती डांटते रहे नीचे वाले, या कोई इंतजाम हमारे पे, इसका कोई इंतजाम नहीं है नीचे वालों का। हाँ वहाँ तो सही हो घर को, मैं आपको लग रहा है कि चौधरी उदयवान सिंह ने विकास किया? चौधरी उदयवान सिंह की मैं बात नहीं कर रहा, केवल दो आदमी की बात कर रहा हूँ, योगी और मोदी, दोनों अपनी जगह पर सही है, और जे डकैती डाले नीचे बारे तो काऊ पर कोई इंतजाम है नहीं। प्रियंका गांधी को क्या मानते हो आप? प्रियंका गांधी जब थे गांगई, मतलब जो है एक दो प्रमाण दूं, इंदिरा गांधी ने, सुनो एक मिनट, इंदिरा गांधी ने मतलब जो महाराजा बच्चू सिंह को मरवाया था, और इंदिरा गांधी का कावे चित्रा चित्रा अलग अलग चालनी बनाए थे बॉडी गार्डन, साई के दरबार में बदलो कौन जाए, और सिर काटे और को तो अपनो ले, राजीव गांधी, शिवचरण माथुर और नटवर, तीन ने महाराजा मान सिंह को मरवाया था दुष्टों ने, तो तीनों को सफाया देख लो आप, चित्रा चित्रा अलग अलग मिले राजीव गांधी के, अलग अलग चित्रा, डेड बॉडी भी साजी नहीं थी, नहीं है समझ, ये तो ऐसा यानी जैसे को तैसा मिल गया, और इनको भी जो नीचे वारे कर रहे का बेईमान, उदयवान हो चाहे राजकुमार हो, ये नीचे वारे बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन योगी और मोदी बेईमानी कदाप नहीं कर सकते, ये क्लियर बात है, कदाप नहीं। हम वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे, सत्ता किसी वोट के हाथ नहीं है, कोई वोटर भी जो सोचेगा सत्ता अगर वोट के हाथ हो कभी इसको भूल जाओ, क्यों? एक चौपाई ले लो रामचरितमानस में से, जो हमारा हिंदू शास्त्र का बैरिस्टरी का बैरिस्टर पुस्तक है। हाँ एक चौपाई दे रहा हूँ तुमको, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कही मुन नाथ, हान लाभ जीवन मरण यस अपयस विदहात, परमात्मा के हाथ है और ये परमात्मा के आशिक हैं दोनों, हाँ दोनों, और हम भी उसी के आशिक हैं, हमें मोनी बाबा कहते हैं, मोनी नाम परमात्मा का है, इसलिए दोनों की हार नहीं हो सकती, ये नीचे वाले डकैतों की हार हो सकती है, ये नीचे वाले डकैती डाल रहे हैं कोई कमी नहीं है, नीचे वाले तो मतलब ये समझो कि ये कई बार में अरबपति होन चाहते हैं, एक बार में धन कमा रहे हैं रात दिन खूब। हाँ क्या नाम है आपको? मेरा नाम हरी सिंह है साहब। आपको लग रहा है कि सत्ता में कुछ बदलाव होने वाला है इस बार 2022 में? हाँ बदलाव होगा बिल्कुल। कौन आ रहा सत्ता में? अरे अखिलेश आ रहे हो। कैसे आ जाएंगे अखिलेश? अभी बाबा ने बताइए बहुत सारा भ्रष्टाचार अखिलेश के जमाने में हुआ। नहीं नहीं बहुत काम करें, भेजा पास ही भाई फैलावा ये खुना मत हो, भेजा पास ही करोड़े न की जानते उंदेरे में थे, ये खुना जहाँ क्यों उसी की देन है। हाँ आपके कटाक्ष में ही कह रहे हैं अखिलेश जी आएंगे, क्योंकि भेजा आपस ही कोई नहीं आवत हो, अब आवत है तुम्हारे जमाने में, आज तक ना जाके अमीना घर बैठे हैं, ये अखिलेश ही देने। दूसरी अच्छा जो चुने भाजपा थे बन के आज तक अंधेरे में ना झांके, और झांके हो तो यहाँ कोई गवाह कर दे, यानी लौट के नहीं देखा मैं। बिल्कुल नहीं अंधेरे ना देखे, इतनी बड़ी बस्ती है इसमें 22 जाती हैं अंधेरा में,
ये कुना आया अब नवे थे जीत गए। उसका क्या आप इस बार भाजपा पे उतार रहे हो आप? नहीं सुनो, जो बाबा ने कही है वो आदमी सही है, बिना को खोट ना आया तो बाबा ने कही है, बाय में प्रस्ताव कर रहा हूँ बाबा को, वे आदमी दोनों बढ़िया है। कौन कौन आप भी बोल दो? योगी बढ़िया है, मोदी भी बढ़िया है। तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, वास्तविकता में आ रहे या ना आ रहे? अरे तो ये नीचे वाले तो पट्टू मार देंगे वहाँ पे। नीचे वाइन की बात ना चल रही, ऊपर वाइन की बात चल रही, आप ऊपर वाइन पे आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूल सिंह है। आपके क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है? बिल्कुल विकास ना हो, इन्हें की तो ऐसी टिकट काट दी जाए, दो की राजकुमार की उदयवाना की के निले थे, इन्हें तो धर्म देखो थे मोदी और योगी, इन्हें दो ने रैपट पाट कर दो या क्षेत्र को पूरे को, पूरे को इन्हें रैपट पाट करो। मोदी भगवान में योगी बातें छोटो अवतार लो मोदी ने। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा इन्हीं में है। भ्रष्टाचार तो बिन्नी करो, बे कह रहे कहां है बे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश को नाश बिन्नी करो, अब कर रहे हैं और फिर करेंगे बे नाश देश को, ये ना कर सकते नाश दे सको, ये देश है बचाए रहे और देश है बढ़ाए रहे और सब जनता है बचाई है इनने, मोदी जी ने पहचान करा दी पूरे दुनिया में, धरती पे पूरी पे मोदी ने पहचान करा दी है मोदी दुनिया में। आज तक कोई जानते इनने कौन जाने जी आज तक? आपको आपको क्या लग रहा है कि इसमें न्याय मिला है सरकार में, सभी को न्याय मिला है या अन्याय मिला? सब ने न्याय मिलो या सरकार में सब ने न्याय मिलो और मिल लो है, पर इन दो ना की टिकट कट जाए, दो ना की हमारे यहाँ क्षेत्र। बहुत गुस्सा नजर आ रही, बहुत ही गुस्सा आ रही नजर, कछु नहीं करे उन्हें, कछु करे उन्हें आए ही नहीं, अपे खजाने ने अपे बिल्ले भर रहे हैं 1000 करोड़ कही के 1000 करोड़ आए क्षेत्र का दें, एक कंकड़ी कहूँ लगाए गई हो, कोई बच्चा कह दे छोटो सो तो ये कंकड़ी लगाए दी जाने, लौट के ना देखो पीछे कोई नहीं था, देखो ही ना है राजकुमार तो देखो ही ना कैसे आए ना है, वो तो एक आधवार है गो, तो नाम ही राजकुमार है तो कैसे? हाँ भाई तो सही कह रहे, सही है, सुनो टिकट नहीं दे मोदी हो चाहे योगी हो, इन्हें टिकट दे दी तो बिल्कुल हारेंगे हारेंगे। आप योगी को कितना अच्छा मानते हो कि ये काम बहुत अच्छा किया उसने? योगी तो सुनो सब काम बढ़िया करें, कोई काम गलत ना करे योगी ने, सारे गुंडा गिरदी सब खत्म कर दी देश में। सरकार गुंडागिरी खत्म करवे से आ रही है या वैसे ही आ रही है विकास की? विकास वो कर रही है और गुंडागिरी खत्म कर रही है, सब काम कर रहा है योगी। अखिलेश जी में क्या कमी है आपको लगता नहीं है? युवाएं सब कमी कमी है अखिलेश जी में, बच्चा है भाई क्या करे वो जाने, वो क्या करे माने, सुबह अपे बेई लगाए माने पुलिस हमें यादव यादव भरते सब यही काम करे उल्टी उल्टी, कोई काम नहीं करो। मायावती ने मायावती ने कुछ नहीं करो माने, हाथी बनवाए जा डारे वो आती नम चली गई सब। तो सत्ता में योगी जी आई रहे? योगी आएंगे और यार शर्त और लगाएंगे हम। क्या बात है, शर्त और लगाएंगे और पहली लगाई हमने। विपक्ष कमजोर नहीं पड़ रहा दादा इस बार, विपक्ष सब रहो एक है वो। अरे सब पहली भी एक का भाई जो सब भारत के सब ये कह के लड़े जाते है तो ना भयो और फिर होगो फिर होगा जाए गारंटी में लेके देता हूँ तामे पत्र पे, यानी प्रमाण है कि इस बार धुआं दे रहा है बिल्कुल होगा उत्तर प्रदेश में, वापस ला रहे मोदी फिर आएगो दो आएंगे। लेकिन किसान तो धरने पर बैठे बैठे तो किसान ना है बेईमान झूठा माल मारा बेबैसे बैठे माठोरी किसान ना, किसान तो खेतों में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं किसान, क्या क्षेत्र या क्षेत्र में तो कोई गया किसान माठोरी या क्षेत्र में तो कोई गया कोई किसान नहीं लग रहे कौन? नहीं नहीं किसान है, किसान है कोई किसान ना माठोरी, किसान हमारे क्षेत्र में तो ये कोई हो, हमारे जात क्षेत्र में तो एक किसान कोई हो माठोरी तो हम मान लेंगे, हम मान लेंगे, हम मान लेंगे। दादा ने किधर आई आना, क्या नाम दादा आपका? अर्जुन सिंह। ये कह रहे कि सबसे पूछो तब मालूम पड़े किसान कहाँ है, तो इन्हीं पूछो कहाँ गए हो, को बैठे हो है ठीक है तो और खो गया भैया और बताओ पूरा बता कहाँ है, डंडा पुलिस लगा दे लौट आए और का निकरन देते ही ना पुलिस ठाड़ी रहती है तो योगी को डंडा चल, योगी को डंडा तो चल लो है और को आया नहीं पुलिस सत्ता में वापसी कर रहे हैं योगी जी, या योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं भैया, लक्ष्मण को बता रो है बा को राम को बता रो है, हाँ बेई दो आ रहे हैं पर इन्हें भ्रष्टाचार तक आए भ्रष्टाचारी ये मरे
इन्हों पे कार्रवाई हो जैसे आजम खां पे भैया ऐसे ही इन्हों पे हो उदय भान पे और राजकुमार पे सामने नजर आ रहे हो। हाँ कोई विकास नहीं किया इन्होंने। हाँ इन्ह पे रिकवरी आप है रिकमेंड। हाँ बस इन्हें नहीं गाड़ी में ठूस हो जाए। चलो कोई नहीं मैं दादा इधर पूछ लेता हूँ। दादा क्या नाम दादा आपका? मेरा नाम हरी सिंह है। बातें सुन के मजा तो आ रहा है लेकिन आप ये बता दो विकास कितना हुआ क्षेत्र में? विकास तो खैर धीरे धीरे जो है ये उत्तर प्रदेश हमारी जो है बड़ा प्रदेश है। हाँ जी हम मथुरा के रहने वाले। आपकी भूमि क्या कह रही है इस बार योगी जी आ रहे हैं? जा रहे हैं योगी की आवे की संभावना पूरी पूरी। यहाँ के मथुरा उत्तर प्रदेश में जितनी कंट्रोल यहाँ ने करी है और किसी पर कंट्रोल नहीं हुई है। और के बाद में जो है गुंडागिरी बढ़ी है इसके में कुछ तो जो है मतलब थमा है शांति मिली है ना तो इस वजह से जो है हम तो भैया योगी के ही हैं वापसी करेंगे। दादा क्या नाम है आपको? मेरा नाम मंगल। कहाँ के निवासी? यहीं के निवासी हूँ उंदेरा के। आपके वो विधायक जी ने 4.5 साल में कितना काम? इतने काम करे हो कि कोई कर ना सके तो यही बराबर है। हाँ सवरे गुस्सा है जाओ पर इतने ऐसा काम करे हो जिनने के जिनने उल्टे लगा लटका के फांसी लगा दी जाए उल्टे ऐसे काम करे। तो दुखी है अरे दुखी है कि नहीं आज तक सकल ना देखी? आज तक चुनाव भयो है जो होते सकल ना देखी आज तक? और कहाँ तक कर बतावे कि ये तो ऐसे नालायक निकलिए जिन्हें की कोई सीमा ना आते। विकास बिल्कुल ना विकास एक रुपया बन नहीं एक पैसा की नहीं। दादा मायावती दे देंगे क्यों दे देंगे फिर और कहाँ दें कम जगह ही ना है। मायावती क्यों दे देंगे ये पूछ रहे हैं मायावती क्यों दे देंगे? ये न्यू कह रहे हैं कि जिनने टिकट में ली तो कौन देंगे जब हमारे मन कीजिए इतना तो फिर कहो बताओ देखो हाँ कैसे रहे वैसे तुम सही से बताओ कि को अच्छा हो योगी अच्छा ना हाँ तो अच्छे हैं पर ये नीचे के ना अच्छा ना रिंदे रे धो के फेंक दो ना जब भाई आते करें आदित्य तो सब कुछ है विशेष नहीं तो कोई कमी ना है। ये छोटे नेगा से पे अखिलेश जी ये कहते हैं कि अगली बार हम 400 सीटों पर बहुमत हासिल करने के कर रहा हूँ सरकार तो योगी बननी है। हाँ योगी मोदी में तो कोई कमी ना कह सके नहीं 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 विनती तो कुछ ही। फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्या कह रही है इस बार किसका समीकरण भारी हो रहा है बसपा का सपा का भाजपा का आपकी? वैसे तो बीजेपी कोई बन बीजेपी बीजेपी सत्ता बीजेपी यानी काम नहीं किया। मैं और भी युवा हैं मैं युवाओं से पूछ लेता हूँ थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर चौधरी है। बड़ा हलचल मची हुई है क्या लग रहा है इस बार फतेहपुर सीकरी विधानसभा की जनता क्या कह रही है? फतेहपुर सीकरी की जनता अब क्या पता है पब्लिक का क्या चाहती है। बाकी आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी लोग जैसा भी है कहते हैं ना ये भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ युवाओं का राज्य है और युवा सबसे अधिक हैं। आपको क्या लगता है इन कंधों पर आपकी बार किसको ला रहे हो इन कंधों पर? ये कंधे तो बहुत कमजोर हैं ये क्यों? किसी को लाने ले जाने लायक नहीं है क्यों? बाकी ये है कि यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनसे पब्लिक बहुत नाराज है आपको दिख भी रहा होगा। तो देखते हैं क्या अगर इन्हीं को रिपीट करते हैं तब तो लग रहा है पब्लिक नहीं ला पाएगी इनको। बाकी आप देख ही रहे हैं कि मोदी योगी के लिए तो बड़ी प्रशंसा है और किसान आंदोलन से भी क्या है थोड़ा सा लग रहा है कि फर्क है। हाँ लेकिन किसान बिल तो वापस ले लिया सरकार ने। अब ले लिया लेकिन अब जैसे वो अड़े हुए हैं किसान के भाई वो MSP होना चाहिए तो वो भी चीज़ें अभी पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं हुई। और जाहिर सी बात है कि जब ले लिया वापस तो उन्हें लाए क्यों थे चीज़ें बहुत सी हो जाती हैं। यानी सरकार ने बैक वोट क्यों लिया? हाँ सही था तो उसे भाई उसे पहले तो लाए क्यों फिर लाए तो उसे बैक क्यों किया? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ मेरा निपुण चौधरी है और मैं चाहता हूँ पहले तो MSP जानी चाहिए सबसे मेन मुद्दा तो ये है किसानों के लिए ये होना चाहिए था जो नहीं हुआ है। दूसरा जो हम अब इस तरफ देख रहे हैं जैन चौधरी की तरफ क्योंकि काफ़ी बिछड़ गई हमारी वो जैन पार्टी जो है और कई बार इसको देख लिया 2014 में देखा 17 में और 19 में लगातार ऐसा कोई विशेष चीज़ नहीं हुई जो स्पेशल हुई हो जिसके लिए हमने सोचा था ऐसा करेंगे। योगी मोदी अपनी जगह सही हो सकते हैं लेकिन बाकी नीचे के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करते क्षेत्र में। आप आएंगे सड़क से आपने देखा कितनी टूटी हुई सड़क है कोई व्यवस्था नहीं सड़क की तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोई नहीं है होनी चाहिए थी जो नहीं हो पा रही हैं। तो 4.5 साल में विधायक को सफल मानते हो या विफल मानते? बहुत ज़्यादा विफल इससे बेकार विधायक और जो मंत्री होते हुए कुछ नहीं कर पाए क्षेत्र के लिए
इससे पहले हमारे बाबूलाल जी थे, बहुत बहुत अच्छा काम किया, बहुत क्षेत्र में सब जन सबके लिए किया उन्होंने, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, तो इनका कोई काम अच्छा नहीं रहा है। इनको देखते हुए योगी जी वापस नहीं आ रहे, अखिलेश जी, मायावती, इनमें क्या क्या लगता है आप? नहीं, अगर इस तरह के जनप्रतिनिधियों को टिकट देंगे तो नहीं आएंगे, अगर चेंज करेंगे तो बदलाव करेंगे, लोकदल से गठबंधन हो जाता है इनका, इस तरह की होता है व्यवस्था, तो आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आना, लेकिन चेंज करना पड़ेगा इनको, इन्हीं को रिपीट करेंगे तो रिपीट नहीं हो पाएंगे। दादा कुछ कह रहे हो आप? कह रहे हैं, क्या कह रहे हो बता दो। ये बीजेपी तो बिल्कुल ही नहीं आ भाई, मेरा जी माँ तो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं भी, लड़न दो, हम नहीं कर रहे हैं, ला रहे हो फिर करिका दो है। इस खोदे, सुनो रड़ुआ खोदे, एक अब बच्चा के बाय खर्चा जानतुआ का कहा जाना, फिर दे सके खर्चा कहा जाने। तो यानी आपको लग रहा है कि बच्चा होते तो जानता अच्छे तरीके से? तो कछु करतु भाई, काउ के दुख की पता ही ना है, बच्चा पढ़ाई लिखाई पे यानी के वो बंद करो नकल, और भी अब बैस ही पास करते भी कैसे में परीक्षा में पास है जाएंगे। इनका कहना है कि सपा और नहीं सॉरी भाजपा वापस नहीं आ रही इस बार, ऐसा क्या लग रहा है? बात तो मैं इनको ये जवाब दे दूं, जो कह रहा रड़ुआ है, इनकी उनकी औरत नहीं है या परिवार नहीं है, तो जिसका परिवार पूरा देश है या पूरा प्रदेश है, तो वो जिसका एक चार लोगों का परिवार होता है वो चार लोगों के लिए कमाता है, रिश्वत लेता है, अखिलेश की तरह होटल बनवाएगा, यूनिवर्सिटी बना ली उसने, क्योंकि उसका परिवार है, पता है उनको कमा के जाना है सात पुस्तकों के लिए, उसका परिवार नहीं, वो देश के लिए कमा रहा है, पूरे प्रदेश के लिए कमा रहा है, तो परिवार वाली बात तो ये हो गई। दूसरा जो कह रहे हैं नकल बंद कर दी तो अच्छी बात है, अब कह रही पास कर दे तो ये भी जरूरी था, क्योंकि पूरे देश में हुआ है, इसने थोड़ी किया है, पूरे विश्व में हुआ है, जब कोरोना की वजह से बच्चे जा नहीं सकते स्कूल, और बच्चों को पास भी करना था कि उनकी साल भी खराब नहीं करनी थी, तो ये तो पढ़ाई का मामला है, बच्चों को पूछो उनके लिए अच्छा हुआ कंपटीशन हो रहा है ना। अब मेरी बच्ची का एडमिशन हुआ है, मैं एग्जाम उसने एग्जाम दिया था नेशनल लेवल का नाटा का, उसने क्वालिफाई किया, उसका उस नंबर पे एडमिशन हुआ है ना, कि इस मार्क्स से, इस नंबरों से नहीं हुआ है, तो जो आगे जाके कमीशन होगा वहाँ पर जो पास करेंगे उसका एडमिशन हो जाएगा, तो इस नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये भी जरूरी था वो भी जरूरी है। वो कह रहे हैं कि क्वालिटी हर जगह बिकती है, आपको नहीं लगता है कि वास्तविकता में जो योगी जी ने कहा भाई क्वालिटी सही? अच्छा, कौन सी क्वालिटी आपको घटिया लगती है? सब घटिया है, कास्तकार सब मिले पे जीरो कर दे, डीजल पेट्रोल बढ़ा दे, रुको एक मिनट, डीजल पेट्रोल कहाँ बढ़ाए गई, टी ए पी को 2400 को मिलते हो, वो तो अब सात राखी है क्या, वो चुनाव आए रहो उन्हें 2400 को मिलते हो, डी ए पी को कहाँ जागी जी महंगाई, किसान का करे को है मिली ना रहो, महंगाई कहाँ है, महंगाई 8000 रुपया बनो कबू बिको कपास से आओ ए, लायो कबो बिको कबो, ए अब 100 रुपया बाम में लेके जा, ये किसान है कौन को है, अरे वो पहनाए रहो, हम पहनाए रहो, महंगाई है कहाँ, महंगाई कहाँ है, डीजल 100 है तो 8000। सुनो सुनो भाई, हमन तो गरीब कोई ना है, बिल्कुल महंगाई ना है, कैसी और ये सब पैसे उठाने पैसा भारी, जो बुराई करेंगे योगी मोदी की, ये सब पैसा भारी, हम गरीब हैं, हम भलाई कर रहे हैं, तो पक्के है योगी के मुझे लग रहा है। अरे मैं तो शुरू से हूँ बीजेपी चालू भाई का जब बच्चे देखो देखो ऐसे योगी तो कहा ऐसे ही न भाके न जाकी और न जाकी आप बिल्कुल सुनो वोट कौन है पूछो टिकट का क्या फाइनल आया चल रहा है इस बार, यही विधायक आए तो क्या रहेगा? बिल्कुल सुनो न जाके ना ही करेंगे या टिकट नहीं दे देंगे, हम मिलेंगे तो वोट नहीं दे देंगे, नहीं देंगे सरकार आ जाएगी, ये का याद है कोई मतलब ना है हमारी, कोई मतलब ना है, पूरे यूपी में सब ऐसे लोग हैं टिकट वाले, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आ जाइएगा इधर, आप युवाओं सरकार ने युवाओं के लिए कुछ किया, रोजगार दिया? अभी सरकार ने युवाओं के लिए अभी ज़्यादा खास तो नहीं किया है, बट सरकारें ऐसी आई हैं और ऐसी गई हैं, पहले से भी युवा बेरोजगार थे, आज भी युवा बेरोजगार ही हैं। फतेहपुर सीकरी के युवा क्या कह रहे हैं इस बार, कैसे लौटा रहे हैं? फतेहपुर सीकरी युवाओं में कोई युवा ही निकल के आएगा, आप भी यहाँ हैं, अभी टिकट तो तय हुई नहीं है, पर अभी युवाओं की दावेदारी और लंबी कतारें हैं, जब निकलेगा युवा ही निकल के आएगा इस बार। वैसे सत्ता में योगी जी रहे, उन्होंने 4.5 साल में कितना युवाओं के लिए कर दिया, कोई भर्ती निकाली या कुछ निकाला ऐसा? नहीं, युवाओं के लिए भर्तियां कम ही निकली हैं, कुछ लॉकडाउन के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में,
बाकी के योगी जी, योगी जी ने जो काम किए हैं, जैसे अभी टेट का पेपर लीक हुआ, साथ ही साथ उसी दिन एट ए टाइम ही उन्होंने जो फैसले लिए हैं, उनसे युवाओं पर बहुत बड़ा असर गया है। जानकारी दी कि वो 2022 में किसे उत्तर प्रदेश का सीएम बना रहे हैं। फिलहाल इस सीट पर एक बड़ी ही लड़ाई छिड़ी हुई है कि इस बार भाजपा अगर सीट नहीं बदलती है तो इसका परिणाम क्या होगा, यहाँ की जनता उसको जवाब देगी। आप देख रही है खबर एक्सपर्ट फतेहपुर सीकरी से।